सो किक आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो गई है और अभी स्टार्ट है बाइक। एंड इसको मैं फोर्थ गियर में कर चुका हूँ एंड फोर्थ गियर में भी ये चलना तो दूर हिल भी नहीं रही है किसी भी गियर में, कहीं नहीं जा रही है बाइक। तो अगर आपकी बाइक में भी सेम प्रॉब्लम है, मतलब वो स्टार्ट तो हो जाती है एंड आप कोई सा भी गियर लगा लो वो चलती नहीं है और उसमें किसी भी टाइप की अलग से टूटने वूटने की आवाज़ नहीं आ रही है, तो 90%+ चांसेस हैं कि आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो रिप्लेस करनी पड़ेंगी आपको। एंड अगर किक स्टार्ट वाली बाइक है तब तो वो स्टार्ट भी नहीं होगी, उसकी जो किक है जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया वो एकदम फ्री हो जाएगी। तो इस वीडियो में अपन ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है वो मैंने बता दिया, सॉल्यूशन क्या है, क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है उसको चेंज करना पड़ेगा एंड हब सेंटर है वो खोलने के बाद पता चलेगा डैमेज है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ यही चीज़ जानने में इंटरेस्टेड थे तो आप यहाँ पर वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं या आपको जानना है कि आपका मैकेनिक है वो कैसे करेगा इस प्रोसीजर को, देन ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देख सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है जीत, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधी अपनी जो क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट की प्रोसेस है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। एंड माइंड यू, ये प्रोसेस यूनिवर्सल होने वाली है। इस प्रोसेस को मैं इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप किसी भी मोटरसाइकिल की जो क्लच प्लेट्स हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज क्लच प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, प्रोसेस मोर ऑर लेस डिफरेंट हो सकती है बट वो चीज़ आप फिगर आउट कर लेंगे। सो लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पार्ट्स के नाम पर तो अपने को प्रेशर प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट, आरएच कवर का गैस्किट एंड इस पर्टिकुलर बाइक में सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर आता है तो उसका गैस्किट चाहिएगा। हाउएवर आपकी बाइक में अगर सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर नहीं होगा तो फिर उसमें नॉर्मल पेपर टाइप ऑयल फिल्टर होगा तो आपको उसको रिप्लेस करना है। साथ ही साथ इंजन ऑयल है उसको रिप्लेस करना है। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप जो क्लच प्लेट्स हैं उनको इंजन ऑयल निकाले बिना भी चेंज कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लच प्लेट्स चेंज करने वाले हैं तब इंजन ऑयल जरूर से चेंज करें, बिकॉज नई क्लच प्लेट्स में पुरानी क्लच प्लेट्स का जो कचरा है जो कि इंजन ऑयल में सर्कुलेट हो रखा है उसको आप नहीं चाहेंगे। सो दैट्स दैट। उसके अलावा एक कपड़ा चाहिए होना, तो वो पुराना खराब सा चाहिए बट उसको अच्छे से वॉश कर लेना, साफ सफाई का अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टूल्स की, तो टूल्स में इंपैक्ट ड्राइवर चाहिएगा आपको, सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर के स्क्रूज हैं उनको लूज करने के लिए, ये ऑप्शनल है। उसके अलावा आपको हाफ इंच का जो एक्सटेंशन है वो चाहिएगा, रैचेट चाहिएगा, रैचेट नहीं है तो आपके पास एल वाला जो टूल आता है वो होना चाहिए। उसके अलावा नॉर्मल टूल किट 8mm, 10mm, 12mm जितने भी बोल्ट्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं उनको खोलने के लिए, एक मैलेट, स्क्रू ड्राइवर्स एंड उसके अलावा ये तीन पर्टिकुलर स्पेशल टूल्स लगते हैं। ये है आपका सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर का नट एंड जो आपका क्लच का नट है, स्पेशल नट आते हैं उसमें, उनको ओपन करने के लिए, ये सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर को होल्ड करने के लिए उसको खोलते टाइम, ये है क्लच होल्डर। तो बेसिकली जब अपन क्लच प्लेट्स को निकालेंगे तो उसके लिए अपने को क्लच हब एंड जो सेंटर है उसकी असेंबली को पहले इनपुट शाफ्ट से निकालना पड़ता है तो उसके लिए उसको होल्ड करना पड़ता है, जिसके लिए ये टूल काम में आता है। तो ये सारे टूल्स हैं, सारे कॉमन नॉर्मल टूल्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। एंड अगर इन टूल्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप जो काम की क्वालिटी है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो आप खुद करते हैं तो आपको ये टूल्स चाहिएंगे, एंड अगर आपका मैकेनिक करता है देन मेक श्योर करें कि वो इस टाइप के टूल्स हैं प्रॉपर वो यूज़ कर रहा हो। काफ़ी सारे मैकेनिक्स हैं वो बिना स्पेशल टूल के काम करते हैं जो कि सही नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मेक श्योर करना है, तभी जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा। एंड अभी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को लोकेट करना है कि इंजन की कौन सी साइड में जो क्लच असेंबली है वो है। तो ज़्यादातर इंजन्स में राइट साइड में मिलेगी, लेकिन कुछ इंजन्स में आपको लेफ्ट साइड में भी जो क्लच पैक है वो देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको वो मेक श्योर करना है। उसके बाद में अपने को जो आरएच कवर है उसको निकालना पड़ेगा, बट उसको एक्सेस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रिमूव करनी पड़ सकती हैं। फेड बाइक है तो उसमें फेयरिंग वगैरह एंड इस पर्टिकुलर बाइक में ये जो फुटरेस्ट असेंबली है इसको निकालना पड़ता है। और इसको वैसे तो आप नॉर्मल पीछे से 17mm या 18mm का जो स्पैनर है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बट बिकॉज आप लोगों को अच्छे से दिख जाए एंड मेरे को भी थोड़ी सी ज़्यादा आसानी रहेगी कंपैरेटिवली, इसलिए मैं इसका सबसे पहले साइलेंसर वो रिमूव करूँगा एंड उसके बाद में ये जो फुटरेस्ट है इसको निकालेंगे एंड फिर जो आरएच कवर है उसको डिसमेंटल करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। एंड अभी जो एग्जॉस्ट है उसको निकालने के लिए जो ब्रेक पेडल है
उसको पूरा ऑल द वे नीचे की साइड लाना पड़ेगा, तो पीछे से जो ब्रेक है उसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड कुछ मॉडर्न साइलेंसर्स में ऑक्सीजन सेंसर है, वो भी एग्जॉस्ट पर ही कनेक्टेड रहता है, तो उसको निकालते टाइम देख लेना, वायरिंग वगैरह मत तोड़ देना, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड वैसे BS6 में जो फुटरेस्ट के बोल्ट्स हैं उनकी साइज़ है वो 14 mm कर दी गई है, पहले 17 या 18 mm आती थी। अभी निकालेंगे कि क्लीवर असेंबली है उसको, तो इसमें यहाँ पर 10 mm का एक बोल्ट लगा रहता है, सबसे पहले उसको ऑल द वे रिमूव कर लेंगे एंड उसके बाद इसको बाहर की साइड पुल आउट करना है। एंड इससे आगे कोई भी काम करने से पहले आप अच्छे से मेक श्योर करें कि ये जो एरिया है जिसको अभी हम रिमूव करने वाले हैं या जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वो अच्छे से क्लीन हो, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी डर्ट डस्ट डिब्री रहेगी वो अब इंजन के अंदर जाएगी अगर आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो। एंड अभी इसकी जो क्लच केबल है उसको डिस्कनेक्ट करना है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर बाइक में जो राइट साइड का पैनल है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसके यहाँ पर दो नट्स लगे हुए हैं, आपस में टाइट हैं, एक 12 mm का है एक 14 का, उनको लूज़ करना है एंड उसके बाद इसको ऑल द वे ऊपर की साइड टाइट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी हो रखा है। तो अभी अपने को ये जो लीवर है इसको ऊपर की साइड करते हुए जो वायर है उसको इसका जो स्लॉट है उसमें से निकालना है, और ऐसा करने के लिए अगर आपको एक प्लायर की हेल्प लेनी पड़े देन जस्ट डू इट, अदरवाइज़ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी प्रोसेस। सो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये वहाँ पर स्लॉट है उसमें लगा हुआ रहता है, इसको हमने रिमूव करा है। अभी जो डिपस्टिक है उसको निकाल लेते हैं एंड यहाँ पर 17 mm का बोल्ट है उसको लूज़ करके जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन करना है। एंड जब तक ऑयल ड्रेन हो रहा है तब तक हम जितने भी RH कवर से जुड़े हुए 8 mm के बोल्ट्स हैं उन सबको लूज़ कर लेते हैं। अभी लूज़ करना है, रिमूव बाद में करना है। उसके बाद आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड पे आपको एक रफ़ ड्राइंग बनानी है जिस टाइप का आपका RH कवर है। एंड अगर आप मेरी तरह ड्राइंग में बिल्कुल ही बेकार हैं तो फिर आप ये जो गैस्केट है जिसको हम रिप्लेस करने वाले हैं जस्ट मेक श्योर कर लेना कि जो गैस्केट आपने ख़रीदा है वो आपके पर्टिकुलर मॉडल का ही हो, उसको रख के उसके साथ साथ जो आउटलाइंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसको रखना उस तरीके से है जिस तरीके से ये लगने वाला है, अगर इसको उल्टा रख देंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इसको ऐसे रख करके जो ड्राइंग है वो बनाई है एंड जो फ्रंट साइड है मतलब फ्रंट इस तरफ है तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रंट लिखा है, RH लिखा है बिकॉज ये RH कवर है। उसके बाद में इसके जो होल्स हैं उनको मार्क करा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और ये क्यों करा गया है वो इसलिए बिकॉज किसी भी बाइक का जब आप इंजन डिसमेंटल करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली अभी RH कवर की बात कर रहे हैं तो उसी की बता देता हूँ, कोई भी बोल्ट इसमें सेम नहीं है, मतलब 2-3 बोल्ट सेम होंगे बट ज़्यादातर बोल्ट्स हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, तो जब आप उनको निकाल लेंगे और फिर वापस लगाने जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा बोल्ट कहाँ लगेगा एंड वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। तो इसलिए निकालते टाइम ही आप जो बोल्ट जहाँ से निकालें उसको वहीं पर लगा देना। फॉर एग्जांपल मैं एक बोल्ट आपको लगा करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल्ट निकाला तो ये यहाँ से निकाला है जो कि इस ड्रॉइंग में ये वाला बोल्ट है, तो इसको हम यहाँ पर पंच कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो जब हम लगाने जाएंगे तब यहाँ से निकालना है, जस्ट यहाँ पर ड्रॉप करना है। और वैसे तरीके और भी हैं इसको याद रखने के बट वो जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब काम आएंगे, अभी के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि लेवल है वो बिगिनर वाला है तो उसके हिसाब से मैंने बताया है। तो अभी ये सारे बोल्ट्स हैं इनको निकाल करके मैं इसमें पंच करके रख देता हूँ एंड उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से। एंड पीछे की साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बोल्ट्स हैं इनकी साइज़ में आपको फ़र्क दिखेगा, ये बोल्ट सबसे लंबा है उसके बाद में उससे छोटे दो बोल्ट्स हैं एंड फिर बाकी के जो बोल्ट्स हैं वो सेम साइज़ के हैं, बट ये हर इंजन में नहीं होता है, कुछ इंजन्स में ज़्यादातर बोल्ट्स हैं वो सारे ही अलग अलग साइज़ के होते हैं डिज़ाइन की वजह से, तो इसलिए ये एक ट्रिक है जो कि आप यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। एंड अभी जो RH कवर है उसको थोड़ा सा टैप करेंगे जेंटली, और टैप करने के बाद में जब ये अपनी जो पोजीशन है उसको रिलीज़ कर देगा उसके बाद जो एक्सेसिव ऑयल है वो RH कवर और जो क्रैंक केस है उसके बीच में से जो जगह बन जाएगी वहाँ से निकलेगा, तो उसको कलेक्ट करने के लिए मेक श्योर आपने पैन है वो नीचे की साइड कर रखा हो, अदरवाइज यू विल मेक अ मेस। तो अभी इसको केयरफुली थोड़ा सा और बाहर की साइड
निकालते हैं एंड देखते हैं अगर और ज़्यादा ऑयल निकल रहा है तो उसको भी अभी निकाल लेंगे। थोड़ा सा जो बाइक है उसको टिल्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो अभी जो ब्रेक पेडल है उसको नीचे की साइड रखते हुए जो आरएच कवर है उसको अपन निकाल लेंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड अभी यहाँ पर आपको ये डर्ट एंड डिब्री दिख रही है, एक सेकेंड, ये जो क्लच प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट, उसका मटेरियल है। एंड यही कारण है कि मैं बोल रहा था कि इंजन ऑयल है उसको चेंज करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये जो है ना, ये तो चलो ज़्यादा मोटे पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ पर जम गए हैं, बट जो बारीक पार्टिकल्स हैं वो अभी भी जो इंजन ऑयल है उसी के अंदर थे, इसलिए उसको हमें चेंज करना चाहिए। एंड अभी जो आरएच कवर है उसको निकाला ही है, तो यहाँ पर एक क्लच रिलीज़ की एक छोटी शाफ्ट है वो लगी रहती है, तो मेक श्योर वो भी इसके साथ निकल गई हो। अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं एंड जो आगे की डिसमेंटलिंग है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो अभी बारी है ये जो चार स्क्रूज हैं इनको खोलने की। तो एक बार एक स्क्रू को मैं नॉर्मल टूल से खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर खुल जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो इम्पैक्ट ड्राइवर है उसको यूज़ करना है। ये वाला नहीं निकल रहा है। ऑलराइट, सो इम्पैक्ट ड्राइवर है उसको कुछ इस तरीके से यूज़ करना रहता है। सबसे पहले जो स्क्रू है उसके ऊपर पोजिशन करके फिर टैप करना है एंड कुछ इस तरीके से जो आपके स्क्रूज हैं वो बिना डैमेज करे ये रिलीज कर देगा। और अभी इनको वन बाय वन रिमूव कर लेंगे। अभी बारी आती है इसकी जो कवर प्लेट है उसको रिमूव करने की। तो बिकॉज इसके जस्ट साथ में इसका गैस्केट लगा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रिमूव करना है। ट्राई यही करनी है कि जो गैस्केट है उसको डैमेज अपन ना करें। एंड जो लोग स्प्लेंडर से वाकिफ हैं उनको दिख रहा होगा कि BS6 में हीरो वालों ने काफ़ी चेंजेस हैं छोटे छोटे वो करे हैं। ऑलराइट, सो अब अगर ये BS4 या उससे पुराने वाली स्प्लेंडर होती तो उसमें ये लग जाता यहाँ पर होल्ड करने के लिए, बट BS6 में इन्होंने इसके जो साइज़ है उसको छोटा कर दिया है, तो उसके लिए इन दोनों गियर्स को अपने को लॉक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि जो गियर लॉक है वो लग सके, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली अपने को इन दोनों गियर्स के बीच में जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करने वाला मेथड है वही यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट क्या ही कर सकते हैं। नंदलेस, ये जो नट है इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए इसका जो स्पेशल टूल है उसको यहाँ पर लगा करके सबसे पहले ऑल द वे इसको इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करना है। एंड फिर ये जो नट है इसको ऑल द वे रिमूव कर लेंगे, साथ ही साथ इसके साथ एक वॉशर निकलेगा तो मेक श्योर करें उसको भी निकालना है। उसके बाद में जो साइंटिफिक ऑयल फिल्टर है उसको एज इट इज़ बाहर की साइड स्लाइड आउट करके निकाल लेंगे। एंड अभी बारी आती है ये जो बाउल है इसको रिमूव करने की, तो इसके लिए नीचे की साइड दो 8mm के बोल्ट्स लगे हुए हैं जिनको रिमूव करना है, तो वन बाई वन करके इनको रिमूव कर लेंगे एंड जो प्लेट है उसको निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ऑयल है वो प्लेट में भी मिलेगा, तो मेक श्योर उसको आप जो पैन है उसमें डंप कर दें। उसके बाद में जो लिफ्टर बैरिंग है अगर वो आसानी से निकलता है तो उसको निकाल लें। एंड अभी ये जो चार 10mm के बोल्ट्स हैं इनको लूज़ करना है, तो इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली लूज़ करना है। एंड अगर ये कुछ इस तरीके से स्पिन कर रहे हैं तो इनको लूज़ करने के लिए आप जो पीछे वाला ब्रेक है वो अप्लाई कर सकते हैं जब बाइक गियर में हो तब, क्योंकि ये डायरेक्टली अपनी जो इनपुट शाफ्ट है उससे कनेक्टेड है। उसके बाद में जो चार स्प्रिंग्स हैं उनको रिमूव करना है एंड अभी फाइनली ये जो नट है इसको हम रिमूव कर पाएंगे। उसके बाद जो क्लच होल्डर है उसकी हेल्प से ये जो चार स्टड्स हैं क्लच के इनको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। एंड अभी जो दूसरी साइड है स्पेशल टूल की उसकी हेल्प से जो ये नट है इसको हम रिमूव कर लेंगे। ये जो नट है इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आपको रिमूव करना है एंड अभी इसको निकाल लेंगे, साथ ही साथ इसके एक वॉशर निकलेगा तो उसको भी निकालना है। एंड अभी इन दोनों सेक्शंस को होल्ड करके जो क्लच असेंबली है उसको पूरा निकाल लेंगे एंड पीछे की साइड इसमें आपको कुछ केसेस में निकल जाता है कुछ केसेस में अंदर रह जाता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये कैप वॉशर है, ये अगर निकल गया है तो इसको वापस इसकी जो पोजीशन है वहाँ पर लगा देना है, जस्ट लाइक दैट। एंड उसके बाद में दोनों साइड की जो लोकेटिंग डाउल्स हैं अगर वो निकल जाती हैं आसानी से तो उनको निकालने की आप ट्राई करें। नीचे की साइड की तो काफ़ी आसानी से निकल गई इस पर्टिकुलर केस में, बट ऊपर की साइड वाली जो डाउल है वो नहीं निकल रही है, तो फोर्सफुली निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट जो गैस्केट इसमें लगा हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो पेपर गैस्केट का सबसे बड़ा हेडेक यही रहता है कि ये पीसेस में निकलेगा एंड अभी जब इसको स्क्रेप ऑफ करने जाएंगे तब जो असली हसल है वो होने वाली है।
एंड बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने जो एग्जॉस्ट है उसको हटाया है, बिकॉज नीचे की साइड क्लीनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं जितना गैस्केट निकल सकता है उतना निकाल लेता हूँ एंड फिर आपको बताता हूँ कि जो नहीं निकलता उसके साथ क्या करना है। ऑलराइट, सो अगर पूरा गैस्केट है वो एक बार में निकल जाता है तब तो खुद को लकी कंसिडर करना, और अगर जिस बाइक पर आप काम करें उसमें मेटल गैस्केट है तब तो कहने ही क्या है। बट अगर ऐसी किस्मत है आपकी तो फिर आपको इसको स्क्रेप ऑफ करना पड़ेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली डजेंट मैटर आप कितना भी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बट ये जो आप मटेरियल स्क्रेप करेंगे ये नीचे ही गिरेगा। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं इतना बता देता हूँ कि जो बड़े पार्ट्स हैं जो बिना कोई चीज़ को डिसमेंटल करें निकल सकते हैं उनको आप निकाल लें, बिकॉज वो जो क्लीनिंग की प्रोसेस है उसमें आसानी करेगा आपके लिए। तो इसकी जो कैप है उसको निकालना है, उसके बाद दो लोक वॉशर्स हैं एंड एक पतला वॉशर है, उसके बाद में अपनी जो क्लच हाउसिंग है वो आ जाएगी बाहर कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद में एक स्लीव है और फिर एक और वॉशर है। बस इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा बिकॉज ये अलग वीडियो का टॉपिक है, तो इंजन रिबिल्ड वाली वीडियो देख लेना अगर ज़्यादा जानना है तो। और ये GBD है, प्राइमरी गियर बोलते हैं इसको, ये भी आसानी से निकल गई। तो ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं अभी स्क्रेपर ब्लेड की हेल्प से। अगर आपके पास प्लास्टिक स्क्रेपर है तो वो यूज़ कर लेना, मेटल स्क्रेपर है तो वो यूज़ कर लेना। बट मेटल स्क्रेपर को यूज़ करते टाइम ध्यान रखना कि ये फेस है ये एल्यूमिनियम का है और मेटल स्क्रेपर आता है स्टेनलेस स्टील का, तो वो इसको बहुत जल्दी डैमेज कर सकता है। तो वो चीज़ माइंड में रखते हुए ये जो सारा मटेरियल है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं वो करता हूँ एंड उसके बाद जो आगे के स्टेप्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो इन दो टूल्स की हेल्प से मैंने ये जो सारा एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है एंड अभी यहाँ पर बिना डैमेज करे मैंने सारा जो गैस्केट है वो स्क्रेप ऑफ कर दिया है, और साथ ही साथ थोड़ी सी क्लीनिंग इस एरिया की भी करी है जो कि आप अभी देख सकते हैं। एंड उसी के साथ जो इंजन के जो भी पार्ट्स अपन ने डिसमेंटल करे थे उन सबको भी मैंने अच्छे से क्लीन करा है। एंड क्लीनिंग कैसे करता हूँ मैं ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के बाद में आप उसको जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अभी बात करते हैं जो इसकी फ्रिक्शन प्लेट एंड प्रेशर प्लेट्स निकली हैं उनको नई वाली के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनकी जो हालत है वो अगर ख़राब है तो कितनी ख़राब है। राइट, सो इनको सबसे पहले तो अनबॉक्स करते हैं। तो ये रही अपनी प्रेशर प्लेट्स, एंड एक प्रेशर प्लेट को आप कंपेयर करके देख लें तो बेसिकली इसका जो कलर है वो ब्लैक पड़ गया है। वो रीज़न यही है कि एक तो फ्रिक्शन प्लेट का जो मटेरियल है वो इसके ऊपर रब हो करके थोड़ा तो उसका कलर आ गया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं तब टेम्परेचर है वो इनका काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लैकनेस आपको दिख रही है उसका एक रीज़न ये भी है। तो प्रेशर प्लेट्स हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है जब भी आप नई फ्रिक्शन प्लेट्स डालें तो उनको चेंज करें, यही अपन करने वाले हैं। एंड अब बात करते हैं जो मेन जो आइटम है उसकी, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्रिक्शन प्लेट है उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर जो फ्रिक्शन मटेरियल है वो होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में तो, और यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये लिटरली प्रेशर प्लेट में कन्वर्ट हो चुकी है। सो दोनों साइड से आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है, एंड ज़्यादा तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता बिकॉज अगेन साइंटिफिक चीज़ें हैं उनका ना तो मेरे पास टेस्ट करने का कोई तरीका है और ना ही उन चीज़ों में ज़्यादा मैं डिटेल में जाता हूँ, बट इतना वेयर एंड टेयर तो यार सिर्फ 4000 किलोमीटर चली हुई मोटरसाइकिल में, एंड इसके ओनर को भी मैं जानता हूँ इतना रफ यूज़ तो वो नहीं कर सकते कि उन्होंने इसकी क्लच प्लेट है उसकी हालत ऐसी कर दी हो। तो ये डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसको हीरो को कंसिडर करना चाहिए फिक्स करना। एनीवेज जो आइडियल प्लेट होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, इसकी बाकी की जो प्लेट्स हैं वो कंसिडरेबली काफ़ी बेटर कंडीशन में है बीच वाले को छोड़ करके, इसको देख सकते हैं आप, एक साइड इसमें मटेरियल है एंड दूसरी साइड ये भी सेम वो जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई उसके जैसी हो रखी है। तो ये तो कचरा है, इनको तो अपन नई वाली के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। सो अभी जो सारी चीज़ों की असेंबली है उसको स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और टिप बता देता हूँ, वो होगी ये कि जब आपकी क्लच प्लेट्स हैं वो इस तरीके से हो जाएं तब आपको पक्का जो आपका हब एंड सेंटर है उसको ज़रूर इंस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस पर आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की लाइन्स हैं, बट जब मैं इनके ऊपर जो मेरा नेल है उसको रब कर रहा हूँ तब वो मुझे फील नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बार ये इतनी डैमेज नहीं हुई हैं कि इनको रिप्लेस करा जाए, बट हाँ अगर जो लाइंस बनी हुई हैं उनको आप महसूस कर पा रहे हैं देन डेफिनेटली आपको जो दोनों आइटम्स हैं इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी इनको फिर से असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी जो क्लच पैक है उसको रेडी करने से। तो उसके लिए अपन हब के ऊपर सबसे पहले इंजन ऑयल लगाएंगे, और ये ऑयल मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो कि थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था,
मोटोल 3100 10W40 जो कि इस बाइक में मैं डालने वाला हूँ। एंड अभी सबसे पहले एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको प्लेस करेंगे। तो फ्रिक्शन प्लेट में जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ नंबर्स वगैरह आपको लिखे हुए दिखेंगे, हीरो की मार्किंग भी है, तो उसको हम अभी नीचे की तरफ करके लगाएंगे। एंड जो साइड प्लेन है मतलब जिस साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसको अभी ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से प्लेस करनी है। उसके बाद में इसके ऊपर फिर से जो इंजन ऑयल है उसकी एक लेयर अप्लाई करेंगे। एंड उसके बाद में प्लेसमेंट करेंगे जो प्रेशर प्लेट है उसकी। तो प्रेशर प्लेट को जब आप हाथ से फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक साइड बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होगी एंड दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा शार्प या फिर काफ़ी ज़्यादा प्लेन फील होगी। तो जो प्लेन वाली साइड है, जो शार्प वाली साइड है, उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे एंड जो स्मूथ वाली साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखते हुए ये जो स्लॉट्स हैं इनके साथ इसको मैच करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है बिकॉज जब हम इस हब को इंस्टॉल करने जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा। तो जो नंबर्स वगैरह वाली साइड है एंड जो स्मूथ वाली साइड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। इसीलिए मैंने उल्टा बताया है क्योंकि जब हम इसको सीधा करके लगाएंगे तब वो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अपनी जो सही तरीका होता है वहाँ पर आ जाएंगी। तो ऐसे ही करते हुए अभी हमें फिर से ऑयल अप्लाई करना है। फिर से नंबर्स वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखते हुए जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको प्लेस करना है, फिर से ऑयल लगाना है एंड ये प्रोसेस रिपीट करनी है। तो वो मैं करता हूँ एंड फिर आगे वाली जो स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। और लास्ट वाली फ्रिक्शन प्लेट को लगाने के बाद में आपको ये जो कैप है इसको इन चारों होल्स के साथ अलाइन करते हुए प्लेस करना है एंड उसके बाद थोड़ा सा आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर सीटेड हो जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से अपना जो क्लच पैक है वो रेडी हो चुका है। एंड अभी सबसे पहले जो जीपीडी है उसको लगा देते हैं। और जीपीडी को लगाते टाइम इसका जो ऑयल पंप है उसका डिज़ाइन चेंज है BS6 में, तो मेक श्योर पीछे की साइड एक गियर है उसको आप जीपीडी के साथ अलाइन करें प्रॉपरली, उसके बाद ही लगाएं। एंड फिर लगेगा यहाँ पर एक वॉशर, फिर ये स्लीव जिसको लगाने से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेशन ज़रूरी है, उसके बाद में क्लच हाउसिंग है उसको लगाना है। तो इसके टीथ्स को जीपीडी के साथ अलाइन करना है जस्ट लाइक दैट। फिर एक प्लेन वॉशर एकदम पतला वाला, उसके बाद में दो कट वॉशर्स हैं उनको लगाना है। और अगर ये अपनी जगह पर ना रहें तो आप ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। उसके बाद जो कैप वॉशर है उसको लगाएंगे, और अगर कट वॉशर्स हैं वो अपनी पोजीशन पर ना रहें तो आप ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की साइड से एक जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको ऑफसेट करेंगे कुछ इतना, जिससे कि एक जो फ्रिक्शन प्लेट का ये जो सेक्शन है ये यहाँ पर जो सेपरेट सेक्शन है उसमें लग जाए। एंड फिर इन स्टड्स को होल्ड करते हुए जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको स्लॉट्स के साथ अलाइन करते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस करना है जस्ट लाइक दैट। एंड अगर ये एक बार में ऐसे इंसर्ट हो जाए देन कंसिडर योर सेल्फ लकी। उसके बाद वॉशर लगाना है जिसमें डॉट या फिर ओ जहाँ बना हुआ है उसको बाहर की तरफ रखेंगे, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। एंड फिर इसका जो स्पेशल नट है उसको सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद इसके स्पेशल टूल की हेल्प से इसको पूरा टाइट करना है जस्ट लाइक दैट। उसके बाद चारों स्प्रिंग्स को प्लेस करके कैप को पोजीशन करना है एंड देन इसके चारों जो 10mm के बोल्ट्स हैं उनको सबसे पहले हैंड टाइट करना है एंड उसके बाद में इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में 10mm के सॉकेट की हेल्प से पूरा टाइट कर देंगे। एंड ये जो बोल्ट्स हैं इनको टाइट करते टाइम एक चीज़ माइंड में रखें कि आपको इनको ग्रेजुअली टाइट करना है, मीन्स एक बोल्ट पे ही सारा लोड मत डाल देना, चारों बोल्ट्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, अदरवाइज़ ये जो प्लेट है ये एल्यूमिनियम की है और ये टूटती बहुत जल्दी है। उसके बाद में क्लच रिलीज बैरिंग है उसको लगाना है, तो इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें एंड उसके बाद में कुछ इस तरीके से पुश कर देना है। उसके बाद में जो बाउल है उसको लगाना है इसके जो 8mm के बोल्ट्स हैं उनके साथ, तो सबसे पहले जो दोनों बोल्ट्स हैं उनको प्लेस करके हैंड टाइट करना है एंड देन उसके बाद में इसको पूरा टॉर्क कर देंगे। उसके बाद में जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसकी बारी है, फिर इसका जो वॉशर है उसमें भी ओ वाली साइड है वो बाहर रखनी है एंड उसके बाद में इसका भी जो नट है उसको वहाँ पर नीचे की साइड से होल्ड करते हुए टाइट करना है। उसके बाद जो कैप है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑयल सील लगती है, मेक श्योर करें कि ये डैमेज ना हो, अगर ये ऑयल सील डैमेज होगी तो जो क्रैंक है उसमें ऑयल है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा एंड उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या ही हो सकता है। और उसके बाद इसका जो गैस्केट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो गैस्केट के जो होल्स हैं उनको कैप के होल्स के साथ अलाइन करना है एंड देन उसके बाद में इसको इन होल्स के साथ अलाइन करते हुए कुछ ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद इसके चारों स्क्रूज़ को लगा करके टाइट करना है, और अगर ये स्क्रूज़ डैमेज हो गए हैं तो इनको रिप्लेस कर दें।
उसके बाद एक चीज़ जो कि मैंने आपको रिमूव करते टाइम नहीं दिखाई थी, जब आप इतना काम कर रहे हैं तब जो स्ट्रेनर है मेक श्योर करें आप उसको निकाल करके अच्छे से क्लीन करें, एंड उसके बाद में यहाँ पर इसका स्लॉट आता है जहाँ पर ये जा करके कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। उसके बाद एक लोकेटिंग डाउल यहाँ पर लगेगी एंड जो सेकंड वन है उसको मैंने क्लीन करते टाइम निकाल लिया था, तो ये लगेगी यहाँ पर कुछ ऐसे। ऑलराइट, सो अब बारी है जो गैस्केट है उसको लगाने की, एंड जो BS6 का गैस्केट है वो अलग है, तो ये चीज़ आप जरूर माइंड में रखिएगा। एंड अभी इसको जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करके प्लेस करना है कुछ इस तरीके से, एंड इस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई किया है ताकि फ्यूचर में अगर इसको किसी भी रीज़न की वजह से अपने को RH कवर निकालना पड़ता है तो ये जो गैस्केट है ये उतना बुरी तरीके से नहीं चिपकेगा जितना थोड़ी देर पहले चिपका हुआ था। तो होपफुली मेरे को करना पड़ेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, किसी और को करना पड़ेगा तो उसका। तो अभी जो RH कवर है उसको इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से जैसे निकाला था, बट उससे पहले आप मेक श्योर करें कि ये जो पिन जो हमने निकाली थी इसको वापस इसकी जो प्लेस है वहीं पर लगा दें आप। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें ये जो स्प्रिंग है अगर टूटी हुई है तो उसको रिप्लेस कर लें। यहाँ पर एक ओरिंग लगती है, अगर यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था उस ओरिंग को रिप्लेस कर लें, और अगर यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था तो इस ऑयल सील को रिप्लेस कर लें। एंड अभी इसको किक के साथ अलाइन करके ऑल द वे पुश करना है। उसके बाद वन बाय वन जो बोल्ट्स जहाँ से हमने निकाले थे उसी तरीके से उनको फिर से प्लेस कर देंगे। उसके बाद इन बोल्ट्स को सबसे पहले क्रिस क्रॉस पैटर्न में हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद इनको प्रॉपरली टाइट कर देंगे। उसके बाद जो ड्रेन बोल्ट है मेक श्योर उसका क्रश वॉशर आप चेंज कर दें और फिर इसको टाइट कर दें। उसके बाद बारी आती है जो इंजन ऑयल है उसको पोर करने की, तो इसमें 900 ml के समथिंग सबसे पहले इंजन ऑयल पोर करना है एंड उसके बाद में उसका जो लेवल है वो चेक करेंगे एंड फिर लास्ट में जब हम बाइक को चेक करेंगे चला करके उसके बाद एक बार फिर से भी ऑयल चेक करना मत भूलना, बिकॉज जब बाइक चलती है तो थोड़ा जो इंजन ऑयल का लेवल है वो ड्रॉप होता है, अगर ड्रॉप हो तो आपको टॉप अप करना है अदरवाइज नहीं। एंड वैसे मोतुल का 3100 जो 10W40 ग्रेड का ऑयल है वो मैंने स्प्लेंडर में टेस्ट करा है एंड ये स्प्लेंडर के लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी एंड सबसे बेस्ट इंजन ऑयल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहें तो। ऑलराइट, सो इसी के साथ जो क्लच प्लेट इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो फिनिश होती है। अभी किक लीवर एंड जो एग्जॉस्ट है वो लगाना है, फुटेस्ट लगाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं लगा लेता हूँ एंड उसके बाद में आपको इसको टेस्ट करके और दिखा देता हूँ कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्टेड हुई या नहीं। ऑलराइट, सो असेंबली है वो कम्प्लीट हो चुकी है, अभी एक बार इसको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, और अभी एक बार बंद किया है, बाद में लेके जाऊँगा तब देख लेना। तो अभी सबसे पहले इसकी असेंबली करी है एंड उसके बाद में इसका इंजन ऑयल लेवल चेक करा है जैसे मैंने पहले बताया एंड उसके अलावा इसकी जो क्लच की फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करा है। तो क्लच की फ्री प्ले अगर आपको एडजस्ट करनी नहीं आती है देन अभी आई बटन में एक वीडियो आ रही है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड क्लच प्लेट्स हैं उनको आप ऐसे ही रिप्लेस करते हैं और जो प्रॉब्लम वो आपकी सॉर्टेड हो जाएगी अगर शुरू में मैंने बताई एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है तो। सो विद दैट बीइंग सेड अगर आप यहाँ तक आए हैं देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना अपने थॉट्स वगैरह या फिर कोई नया वीडियो का आइडिया, उसके अलावा इस वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना एंड फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर पीछे दिख रहा है क्या है, वैसे अभी मैं बाइक लेके जाऊंगा तब देख लेना, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जल्दी ही आने वाला है। सो अभी बाय बाय।